हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम आज बनाने जा रहे हैं आलू का भाजा और प्याज का पकौड़ा। तो यहाँ हम आलू काट लिए हैं और इसमें प्याज का फ़ोरन देंगे। तो यहाँ प्याज और हरा मिर्च काट लेंगे। और उधर हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गरम होने के लिए। जब आलू का भाजा बनाने के लिए कढ़ाई को पूरा गरम करना पड़ता है और तेल को भी, तो आलू का भाजा सड़ता नहीं है। तो इसीलिए हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इधर हम प्याज और मिर्ची काट लिए हैं। और काटने के बाद कढ़ाई मेरा गरम हो गया था तो उसमें हम मस्टर्ड ऑयल डाल दिए हैं। और ये तेल जब गरम हो जाएगा तो इसमें हम सबसे पहले प्याज डालेंगे और लाल मिर्च। तो लाल मिर्च हम तोड़ दिए थे और तोड़ कर और इसमें देखिए हम डाल दिए हैं। और ये हल्का लाल होगा तो इसमें हम आलू डाल देंगे जो कट किए थे। तो आलू हम डाल दिए हैं और आलू डालने के बाद इसमें हम हल्दी डालकर, और इसे हम हमेशा नहीं चलाना है हमको। इसे रुक रुक कर चलाना है, नहीं तो ये पूरा बुकनी हो जाएगा। तो इधर आलू का भाजा हम चढ़ा दिए, छौंक दिए थे। तो इधर एक साइड हम दाल चढ़ा देंगे। और दाल को हम निकाल लिए हैं कुकर में और इसे हम जा रहे हैं बाहर धोने के लिए। और इसे अच्छे से धो लेंगे 3-4 पानी से, तब हम एक साइड दाल चढ़ा देंगे। तो आज धूप निकला हुआ है लेकिन, और बादल भी छाया हुआ है। अच्छा धूप आजकल पता नहीं क्यों बादल छाया रहता है और धूप पहले के जैसा नहीं होता है। पहले बहुत अच्छा धूप होता था लेकिन अब खुल कर धूप नहीं होता है बंगाल में। तो यहाँ हम दाल को धो कर आ गए हैं और दाल धोने के बाद हम चढ़ा देंगे दाल। एक साइड दाल चढ़ा देंगे और एक साइड मेरा आलू का भाजा बन रहा है। और उधर हम जो प्याज और मिर्ची काट कर रखे थे तो उसको हम बेसन और हल्दी नमक डालकर उसे हम सौनेंगे। तो चलिए हम दिखा रहे हैं आपको हम जो पकौड़ा बनाएंगे उसे। तो यहाँ हम पकौड़ा बनाने के लिए देखिए बेसन और चावल, ये दोनों चीज़ सबसे पहले हम डाल देंगे। और ये दोनों डालने के बाद हल्दी और नमक, ये ज़रूरी है डालना हल्दी नमक। तो यहाँ थोड़ा सा अजवाइन डाल देते हैं क्योंकि अजवाइन पेट के लिए अच्छा रहता है और खाना भी चाहिए अजवाइन, जैसे पूरी पकौड़ा ये सब चीज़ में हम लोग डालते हैं। तो यहाँ नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। तो नमक डालने के बाद और हल्दी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मैश करेंगे और पानी डाल कर, क्योंकि प्याज मेरा थोड़ा मोटा है और हम जानबूझकर मोटा काटे हैं क्योंकि मोटा मोटा प्याज अच्छा लगता है। और कभी कभी मैं ही भी काट लेते हैं, तो जब जैसा खाने का मन होता है तो हम वैसे ही बनाते हैं। तो यहाँ इसे अच्छे से मैश कर और रख देंगे। और जब मेरा आलू का भाजा हो जाएगा तब हम पकौड़ा छानेंगे। तो देखिए हम कितना अच्छा से मैश कर रहे हैं और मेरा हो गया है। तो इधर हम आलू का भाजा चलाने के लिए आ गए थे, नहीं तो नहीं चलाइए तो ये सट जाता है। तो कुरकुरा हो गया था, पूरा हो ही गया था। तो इसमें हम लास्ट में नमक डालते हैं और लास्ट में अगर नमक डालिए तो ये टूटता नहीं है, अच्छा होता है आलू का भाजा। और यहाँ पकौड़ा छानने के लिए देखे तो तेल नहीं था मस्टर्ड ऑयल, तो इसमें हम एक पैकेट तेल हम खोल दिए थे। तो यहाँ ये बोतल में 1 लीटर तेल नहीं होता है, कम ही होता है। तो थोड़ा सा हम पैकेट में ही छोड़ देंगे और पैकेट वाला से ही हम पकौड़ा छान लेंगे। तो इसे हम भर कर रख देंगे। 1 लीटर तेल कितना जल्दी ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता है। और कुछ कुछ बनते ही रहता है जब खाने को जो मन करता है। तो
तो यहाँ आलू मेरा हो गया था, अब हम इसमें पकौड़ा छान लेंगे। और दाल भी मेरा हो गया है, दाल में एक सीटी लगाए थे और सीटी छोड़ दिए हैं, तो अपने ही गैस में हो दाल सीझ जाएगा। तो यहाँ पैकेट में जो तेल बचा हुआ था तो वो हम तेल डाल रहे हैं, और इसी तेल में मेरा पकौड़ा हो जाएगा। तो तेल गर्म हो गया था तो यहाँ हम बारीक बारीक करके एक एक ठो पकौड़ा को हम डाल रहे हैं। और बगल में काम चल रहा है दोस्तों, तो उसी का आवाज़ है, बुरा मत मानिएगा आप लोग। और शहर में तो जानते ही आप लोग कि इधर उधर हर जगह देखिए तो घर ही बन रहा है। तो यहाँ मेरा पकौड़ा देखिए एक साइड का सीज गया है और दूसरा साइड हम पलट रहे हैं, और ये पहला है तो इसे पलटने में थोड़ा, ये नहीं पता था कि तेल गर्म है या ठंडा है, तो ये लग रहा है कि थोड़ा सट रहा है, तो ठीक हो जाएगा, जब तेल गर्म होगा तो ये ठीक हो जाएगा। देखिए इसे हम पलट दिए हैं और कितना सुंदर कलर खिल कर आया है इसका। तो ये सीज गया था तो इसे हम निकाल लेंगे पकौड़ा, और फिर दूसरा घानी हम डालेंगे इसमें प्याज। तो इसी तरह हम पकौड़ा बनाते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा, ये तो अपना बनाने का ऊपर होता है। तो इसे हम डाल देंगे और ये जब हो जाएगा तब हम दाल में तड़का लगाएंगे, क्योंकि और एक साइड हम दाल में पानी डालने के लिए, पानी को गर्म होने के लिए रख दिए हैं, और दाल में पानी गर्म ही डालना चाहिए, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो दाल का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। और हम यहाँ पकौड़ा मेरा हो गया है, और देखिए मेरा पकौड़ा कितना सुंदर बना हुआ है। और यहाँ हम जीरा निकाल रहे हैं दाल को तड़का लगाने के लिए, तो जीरा हम डाल दिए हैं, और प्याज और मिर्ची डालना है तो प्याज और मिर्ची भी हम डाल देंगे, और इसमें दाल में हम तड़का लगा देंगे। तो मेरा पूरा खाना बन ही गया है, बस चावल बचा हुआ है, तो चावल भी हम धोकर चढ़ा देंगे एक साइड। और अकेला आदमी करते करते कितना काम करे, सुबह से ही काम करते करते 12 बज जाता है मेरा, और उसमें वीडियो भी बनाना पड़ता है। तो दोस्तों कोई सब्सक्राइब करता है और कोई अनसब्सक्राइब कर देता है, प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूरी है, तो आप लोग कीजिएगा सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं। तो यहाँ दाल मेरा हो गया है, और इधर हम चावल चढ़ा देंगे, चावल को हम धोकर ला दिए हैं, और यहाँ पानी हम पीने वाला पानी से ही चावल बनाते हैं, तो यहाँ हम चावल चढ़ा देंगे। तो यहाँ चावल चढ़ा दिए हैं,